भोटो साहब के दौर में शराब पर पाबंदी थी हक साहब ने मज़ीद पाबंदी लगा दी सदत हसन मंटो को मैंने खत में उन हालात की तफसील लिखी मंटो का जवाब आया मंटो को ख़त मैंने सदर हक के दौर में लिखा था अनवर ज़मीन पर तुमसे मुलाकात नहीं हुई मगर तुम्हारा खत पढ़कर कर यूँ लगता है कि हमारी सदियों से जान पहचान है गालिब को जितना तुम चाहते हो उतना ही मैं चाहता हूँ हिंदुस्तान में जो फिल्म मिर्जा गालिब बनी थी वो कहानी मैंने लिखी थी सुरैया मुझे पसंद थी मगर मुझे मालूम नहीं था भारत भूषण मिर्जा गालिब का किरदार अदा करेंगे तुम्हें पाकिस्तान से मोहब्बत है मुझे भी पाकिस्तान से मोहब्बत थी पार्टिशन के बाद इसमें चुगताई ने मुझसे कहा आप पाकिस्तान जाकर क्या करेंगे मैंने कहा इसमत वहां हम ही हम होंगे मगर मैं पाकिस्तान बनने के आठ साल बाद दुनिया छोड़ आया उम्र क्या थी मेरी तिरालीस बरस मुख्तलिफ अफसाने लिखने पर मुझे कई दफा जेल हुई जब भी कभी मैंने माकूल अफसाना लिखा मुझे जेल जाना पड़ा तुमने अपने खत में लिखा है ज़ियालह साहब ने शराब पर मज़ीद पाबंदी आयद कर दी है पाकिस्तान में अगर दो लाख इंसान शराब पीते थे तो देखना पाबंदी लगने के बाद दो करोड़ इंसान शराब पियेंगे बात सुनो अगर तुम लोग चाहते हो किसी चीज़ को ख़त्म करना तो उसकी तरफ़ ध्यान देना छोड़ दो वो खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी देखो मैंने अपनी सेहत की तरफ़ ध्यान नहीं दिया ख़ुद खुद ख़त्म हो गई मेरे पाकिस्तान और तुम्हारे पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा फ़र्क है वो ये है मेरे ज़माने में लोग घरों में नमाज पढ़ते थे और घर से बाहर जाकर शराब पीते थे अब तुम्हारे पाकिस्तान में लोग बाहर जाकर नमाज पढ़ते हैं ताकि दूसरे लोग उन्हें मस्जिद जाता हुआ देख लें और शराब अपने अपने घरों में अपने वालदेन और बच्चों के सामने पीने लगे मुझ पर इल्ज़ाम था मैं फ़ौश लिखता हूँ तुम बताओ उस तहजीब पे कपड़े किस तरह उतारता जो पहले से नंगी थी मैं माशरे में बिखरी हुई गलाजत पर सफ़ेदी करने के बजाय गलाजत को देखता था और लिख देता था इन लोगों ने एक मोहल्ले में लोगों के जाने पर पाबंदी लगाई नतीजा क्या निकला वो मोहल्ला तो खाली हो गया मगर लाहौर में बड़ी बड़ी सोसाइटियाँ मोहल्ला बन गई मैं हीरा मंडी जाकर औरतों से उनकी कहानियाँ सुनता था वही कहानियाँ मेरी तहरीर बन जाती थी मेरा दोस्त सिर्फ़ मेरा कलम था मरते दम तक उसने साथ नहीं छोड़ा मैं तुमसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ इस माशरे में जो भी तु बात तुम्हें घनावनी नज़र आए उसके बारे में ज़रूर लिखना और मुझे बहुत सोने बताया है तुम लिखते भी हो और मुंह पर भी कह देते हो अनवर मैंने कभी झूठ नहीं बोला तुम्हारे यहाँ कोई सच नहीं बोलता तवाइफों से मेरी दोस्ती सिर्फ इसलिए थी कि वो सच बोलती थी जो कुछ उन पर गुजरती थी वो बयान कर देती थी मुझे अपने किरदारों से हमेशा मोहब्बत रही और तुम्हारे मुल्क में बसने वाले जाहिलों को नफरत जबकि अक्सर उन जाहलों से मेरी मुलाकात उसी मोहल्ले में होती थी तुमने लिखा है मैं उर्दू अदब का सबसे बड़ा अफसाना निगार हूँ मुझे सिर्फ एक बात की खुशी है जिस दिन मेरा इंतकाल हुआ उस दिन ताज़ियत करने वालों का हजूम मेरे घर पे नहीं था यही सच्चे और बड़े अदीब की पहचान है सच पर मरने वाला तुम्हारा मंटो।